मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ च मैं आपके घर का माहौल भी देखदा कि यार जिथे असी जमे पले वो माहौल ठीक नहीं सी। कि बच्चे नू छोटे होंदे नू ना गोल सैट करके जिदा आप देखते हैं कि जेडे बच्चे दसवीं तो बाद ये सोच लेंदे आ कि यार मैं पढ़ना है, मैं अगे आ कोर्स करना है, तुसी देखो ना वो बस वो उस दौड़ च ही चले जाते हैं। तो जे बच्चे नू ये मैं कॉलेज ही जाना बस उन्हूं कोई गोल नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो कॉलेज उहदे लई मस्ती बन जाएगा। जे वो कदे भी बच्चे आ गलती करता है, कुछ शब्द गलत निकल गया, तो मैं कदे भी उन्हें चपेड़ नहीं मारी, कदे भी डांटे नहीं, मैं दसदा ये चीज़ बुरी है। उन्हें हुण तो सेविंग की आदत पा रहे हैं, पैसे की मनी की वैल्यू की है, उन्हें दसीदा कि जो बैड एलीमेंट है उन्हां दा हशर अंजाम नुकसान की होंदे है। सब तो वड्डी गल कदे मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि तू आ बन, मैं कहना जो भी बन अच्छा इंसान बनी कि तेरे तो कदे किसी नू खतरा ना हो, किसी लिए खतरा ना, कोई तेनू ये खतरे वजो ना देखे। सो जे फिल्म जिंदगी जिंदाबाद सिनेमा घरां दे विच दस्तक दे चुकी है तो जिंदगी जिंदाबाद रियल लाइफ दे विच कीती है मिंटू जी ने, सो इन्हां दे नाल गलबात कर लैने, बहुत बहुत स्वागत है पहला। थैंक यू जी, मुबारकबाद। किस तरह का लगता है पहला रियलिटी नू हुण वड्डे पड़दे ते उस तरह ही निंजा नू रियल कैरेक्टर प्ले कर दे? हाँ जी, हैरानगी हुई कि इन्ना जबरदस्त काम है। तुसीं भी देखी है मूवी, तुहाडा खेतर है, तुहाडी बीट है एंटरटेनमेंट, मैं देखा है बड़ी शिद्दत नाल काम करदे हो तुसीं, तुसीं देखिया होना कि निंजा नज़र नहीं आता स्क्रीन ते कि गायक निंजा है। सो गल ये कि अच्छा एक्ट किया निंजे नू देख के, मैं खुद मुतासर हाँ इस चीज़ तो कि वधिया काम किया। मिंटू जी की लगता थोनू क्यों यूथ जड़ा है नशे वाल रुख करता है, केड़ी चीज़ उन्होंने मजबूर करती है नशे लैण ते? देखो जड़ियां गल्लां ने ना ये कई ने, ये वजाहत ने, वजह नहीं है, वजह एक हुंदी है, वजाहत बहुत सारिया वजह हुंदी है, ये बहुपरती समस्या है। मसलन के मैं कितें ना कितें सोचदा कि हुण जिद्दां मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ च मैं आपके घर का माहौल भी देखदा कि यार जिथे असी जमे पले वो माहौल ठीक नहीं सी, जिथे असी फैसले लेने से असी कि ना कि सही फैसले नहीं ले सके, जिथे सरकार ने एक भूमिका अदा करनी सी उत्थे वो नहीं कर सके, तो मेरी जिंदगी कितनी वजह हो गई। तो ये यूथ है जिहड़ा असल दे विच की है कि असी यूथ का सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे। मेरा तो यह मानना है कि बच्चे नू छोटे होंदे नू ना गोल सैट करके दे, जिदा आप देखते हैं कि जिहड़े बच्चे दसवीं तो बाद ये सोच लेंदे आ कि यार मैं पढ़ना है, मैं अगे आ कोर्स करना है, तुसी देखो ना वो बस वो उस दौड़ च ही चले जाते हैं। तो जे बच्चे नू ये मैं कॉलेज ही जाना बस सिर्फ, उन्हूं कोई गोल नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो कॉलेज उहदे लई मस्ती बन जाएगा। सो सानू मकसद ते मार्गदर्शन ये सब तो पहला बच्चे नू देना पड़ेगा भी जदों, क्योंकि अजकल बच्चा 10 साल की उम्र च 12 साल की उम्र के सारिया चीज़ा समझ लग जाए, तो उहदे च सानू मतलब कि घर दे विच जिहड़ी एक भूमिका है ना, जिदा आप संस्कार कह दिंदे आ, भी बच्चों जिदा चरित्र निर्माण है जिहड़ा वो कितें ना कितें उहदे च सानू आपदी भूमिका भी अदा करनी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਚ ਹੰਡਾਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਫਰਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਫਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਵਾਈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ,
कि मैं अपने आप वास्ते करना, अपना गुआचिया जिहड़ा मान सम्मान है समाज चो हासिल करना है। तो जिहड़ी क्यों सी वाय सी की उन्हें एक बहुत भूमिका अदा की, वो मकसद बन। सो इस करके मैं समझता कि यही जिंदगी कह लो कि गेम नू गेम चेंजर जिदा आप कहने ना, गेम घुमाने वाली कुंजी है। सो तुसी जिस तरह कहा कि साढ़े घर का माहौल ठीक नहीं सीगा, वह भी कितना कितने एक मेजर रीज़न सीगा कि मैं उस लाइन वाल रुख किया, पर हुण तुसी अपने बच्चों किस तरह जो है असं कह सकते कि मोटिवेट करके रख रहे हो, कि जिस तरह कुछ तुसी गोल्स की भी गल की है कि गोल उन्होंने पहला सैट होने चाहिए ने, तुसी कितना का काम कर रहे हो अपने बच्चों के? हुण बड़ा सिंपल फंडा है, मैं वो कहेगा कि आ कार है इन्ने दी है फलाने कोल है, मैं कहना कि तेरे कोल भी हो सकती है, पर उदे वास्ते तैनू फिर आ करना पड़ेगा। मसलन जे वो कदे भी बच्चे आ गलती करता है, कुछ शब्द गलत निकल गया, तो मैं कदे भी उन्हें चपेड़ नहीं मारी, कदे भी डांटे नहीं, मैं दस दें कि यह चीज़ बुरी है। उन्हें हुण तो सेविंग की आदत पा रहे हैं कि पैसे की मनी की वैल्यू की है, उन्हें दसी दा कि जो बैड एलीमेंट है उन्हों का हशर अंजाम नुकसान की होंगे, जो अच्छे इंसान है वो किस तरह दुनिया के विच एक मुकाम आपका सिरजते हैं। मतलब सब तो वड्डी गल, कदे मैं उन्हें यह नहीं कहा कि तू आ बन आ बन, मैं कहना जो भी बन अच्छा इंसान बनी कि तेरे तो कदे किसी खतरा ना हो, किसी लिए खतरा ना हो, कोई तेनू ये खतरे वजो ना देखे कि ये बंदा मेरा नुकसान करूगा, वो सारिया चीज़ें आ जाए निंदा चुगली होगी। बंद प्यार कि पावरफुल है तो लिए? प्यार मैं तो है ही भावुक आदमी है जी, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैं कह लो कि सेंसटिव हाँ, तो मेरे लिए मतलब कि ये चीज़ है कि प्यार कुछ रिश्तों का नहीं होंगे कि आप गर्लफ्रेंड नाल या बॉयफ्रेंड नाल ही कर सकते हो, प्यार खुद नाल भी कर सकते हो, खुद के रिश्तों नाल भी कर सकते हो। तो सब तो वड्डी गल है कि प्यार ऐसा होना चाहिए कि जिथे तुसी अपना मन हौला कर लो, तो जिथे तुहानू यकीन होवे कि तुहानू आवाज मारन की जरूरत नहीं हैगी, सामने वाला बंदा मैनू समझ के अपने आप ही आ जाऊगा। जिंदगी वाकई दे विच कितनी कलरफुल है, ये तो हाड़ी लाइफ ने बहुत सारे लोगों की अखा खोलियां ने और बहुत लोग मोटिवेट होकर जिहड़े ने सिनेमा घरों चो बाहर निकले ने, तुसी जांदे जांदे की सुनेहा देना चाहो? नहीं नहीं वधिया जी, जिथों भी प्रेरणा अच्छी मिलती है सकारात्मक चीज़ा मिलदियां ने तो भाई जरूर हासिल करो, सिनेमे तो किताबों चो इवन दैट जो चुटकले च भी अच्छी चीज़ मिलती है ना, हासा भी कर लो तो वो सीख। थैंक यू जी। सो ऐसे जी साढ़े नाल मिंटू जी जिन्हां दे नाल गलबात की है, उन्हां दी जिंदगी ते बनी अज फिल्म जो है हुण लोकां नू प्रभावित कर गई, लोकां नू एंटरटेनमेंट भी कर गई, लोकां नू एंटरटेन भी कर गई, तो हर फ्लेवर जिहड़ा देगी। जिस तरह मिंटू जी ने बहुत सच्चियां ते खरियां गल्लां इंटरव्यू दे विच कीतियां ने, अपनी रियल जिंदगी नू भी उन्होंने हंडाया और फिर वड्डे पर्दे ते भी जो है इसनू देखिया, तो तुसीं इस फिल्म नू जरूर देखण जाणा है, तो सानू जरूर दसना कॉमेंट बॉक्स दे विच कि किस तरह दी लगी तुहानू इह फिल्म जिंदगी जिंदाबाद।